Hi guys, this is Nadula and I hope you all are doing good. I hope you all are safe and I hope कि आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे. एक या दो पेपर्स तो आई थिंक यू नो निपट ही गए होंगे आप लोगों के, और मे बी यू नो हो सकता है तीन भी हो गए हों, राइट? सो आई विश ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग यू नो अपकमिंग पेपर्स और अपकमिंग एग्जाम्स, राइट? तो आपने कल के वीडियो में देखा था कि हमने चैप्टर टू ऑफ साइकोलॉजी, जो कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी है, उसके बारे में बात किया था, या यू नो उसके एमसीक्यू सॉल्व किए थे. एंड टूडे आई एम बैक अगेन विथ चैप्टर थ्री ऑफ साइकोलॉजी एंड इट्स मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज, ठीक है, विच कैन कम इन योर एग्जाम्स. तो चैप्टर थ्री ऑफ साइकोलॉजी, जैसे कि आप देख रहे हैं, चैप्टर थ्री ऑफ साइकोलॉजी का नाम है मीटिंग लाइफ चैलेंजेस. ओके, द फर्स्ट एमसीक्यू दैट यू हैव ऑन द स्क्रीन इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज. ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मैं मेरे पिछले वीडियोस में भी हमेशा आपको ये चीज बता चुकी हूं कि कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिए. ठीक है, कीवर्ड्स पे हमें इसीलिए ध्यान देना है क्योंकि द मोमेंट हम कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, अभी आगे आप देखेंगे कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है. ओके, सो दैट इज व्हाई आई कीप ऑन टेलिंग यू, आई अर्ज यू ऑल टू यू नो अंडरलाइन द कीवर्ड्स. ओके, तो स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज. आप सबको पता है जब हम फाइनली एग्जॉस्ट हो जाते हैं तब हम क्या, स्ट्रेस तो एक अलग ही चीज है, रेजिस्टेंस भी अलग है, कोप हम नहीं कर पाएंगे उस चीज से, मगर द बेस्ट पॉसिबल आंसर फॉर दिस इज बर्नआउट. ओके, जनरली इन योर जॉब्स, इन यू नो इन वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऑल, वी फेस बर्नआउट, ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, वापस से देखिएगा कीवर्ड्स कैसे मार्क करने. व्हाइल वॉकिंग इन द फॉरेस्ट आई सडनली हियर अ हिसिंग साउंड, ठीक है, तो मेरी हार्ट बीट क्या हो गई, मेरी हार्ट बीट बढ़ गई, माई हार्ट बीट इंक्रीजेस एंड ब्रीदिंग बिकम्स शॉर्ट एंड रैपिड, और मेरे प्यूपिल्स जो थे आंख के वो डायलेट होने लगे. ओके, तो ये किस चीज की वजह से हुआ, ठीक है, पैरासिंपथेटिक और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम वो चीज कराती है, हमारे प्यूपिल्स डायलेट होते हैं, ठीक है, ये हम यू नो द वे वी ब्लिंक आवर आईज एंड एवरीथिंग, ये वो सारी चीजें कराती हैं, ठीक है. एक्टिवेशन किसकी वजह से, एक्टिवेशन होता है हाइपोथैलेमस की वजह से. ओके, सो द बेस्ट आंसर इज हाइपोथैलेमस. नाउ द नेक्स्ट इज डैश रिजल्ट्स फ्रॉम द ब्लॉकिंग ऑफ नीड्स एंड मोटिव्स by something or someone that hinders us from achieving a desired goal. ठीक है, तो internal pressures तो नहीं, definitely. क्या result होता है, basically यहाँ पे लिखा है कि क्या result होता है, what results out of it, block हो जाती है हमारे needs और motives, तो क्या होता है, हमें हम कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें क्या, हमें frustrated feel होता है. okay, so the frustration is the best answer. okay, now Dash is a behavior or a skill that helps to communicate clearly and confidently our feelings, needs, wants and thoughts. मैंने आपको एक चीज बता चुकी है पहले की वीडियोस में भी कि एक ability होती है, the ability to say no, ठीक है. तो इस पर यहाँ पे जो भी आंसर होगा उस आंसर के दो फीचर्स हैं, ठीक है, being firm and being polite, ठीक है. तो आप सबको पता है कि फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव तो वैसे भी नहीं हो पाएगा. ओके, तो असर्टिवनेस इज समथिंग विच इज द एबिलिटी टू से नो. तो यहाँ पे क्या लिखा है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली आर फीलिंग्स, नीड्स, वॉन्ट्स एंड थॉट्स. ओके, सो असर्टिवनेस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दे से दैट हु डिफाइंड स्ट्रेस एज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड. ठीक है, तो आप सबको पता है जब स्ट्रेस की बात हो रही है तो हैंस सेले का नाम तो आएगा. ओके, तो द बेस्ट आंसर ओवर हियर इज हैंस सेले विदाउट अ डाउट, इवन विदाउट यू नो एक्सप्लेनिंग फर्दर. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द स्ट्रेसेस विच पीपल एक्सपीरियंस वेरी इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब हम जो स्ट्रेस फेस करते हैं उनके वेरिएट करते हैं. ठीक है, तो जब वो वेरी करते हैं, वेरिएट करते हैं, तो वो कैसे, मतलब कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, या तो वो इंटेंस हो सकते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और कॉम्प्लेक्सिटी, और एक और जो चीज है उसका यू नो वो क्या होती है, वो टेम्परमेंट होता है हमारा, इसीलिए टेम्परमेंट इज द बेस्ट आंसर फॉर दिस. नाउ GAS, तो पहले तो हम GAS का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, जो कि होता है जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम.
ओके, ये होता है जीएएस का फुल फॉर्म। अब सबसे पहली बात, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है? इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, जीएएस किसने दिया था? जीएएस दिया था हैंस सेलिए ने। ओके, तो एक चीज ध्यान में रख लीजिए, अगर स्ट्रेस का चैप्टर है तो हैंस सेलिए सबसे ऊपर आएंगे। ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो इसका जो बेस्ट पॉसिबल यू नो आंसर है, सबसे पहले आता है अलार्म रिएक्शन, सेकेंड होता है रेजिस्टेंस, और थर्ड होता है एग्जॉशन। तो एग्जॉशन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ डैश इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। तो मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक चीज बताती हूँ। सबसे पहले तो दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे, कोई भी साइकोलॉजी टीचर होगा ना, वो जब स्ट्रेस एक्सप्लेन करेगा ना आपको, तो स्ट्रेस का ना वो सबसे पहले तो डेफिनेशन देगा, स्ट्रेस की परिभाषा बताते हैं। सेकेंड चीज जो स्ट्रेस के बारे में बताते हैं, तो सेकेंड फीचर वो ऐसे यू नो दे राइट लाइक दिस, इवन आई डू द सेम जस्ट एज आई एम डूइंग राइट नाउ। तो स्ट्रेस, दे से स्ट्रेस के ना दो टाइप्स होते हैं, ठीक है? एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस, ठीक है? तो जो यू स्ट्रेस होता है उसे हम पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस कहते हैं, और जो डिस्ट्रेस होता है उसे हम नेगेटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़िए एक बार, लेवल ऑफ स्ट्रेस दैट इज गुड फॉर यू। तो गुड फॉर यू एज इन द पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस, तो दिस इज नोन एज यू स्ट्रेस, ठीक है? यू स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली राइट नाउ ऑल ऑफ यू आर अंडर यू स्ट्रेस, ठीक है? यू स्ट्रेस नहीं होगा ना एग्जाम देने भी नहीं जाओगे आप, ठीक है? दैट इज वाई द पॉजिटिव टाइप ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज यू स्ट्रेस। ओके, नाउ द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च इज नोन एज, यू ऑल नो वेन एवर वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, हैंस सेलिए इज द वन। इसीलिए यू नो देर आर सेवरल क्वेश्चन ऑन हैंस सेलिए। ओके, नाउ विच आर द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस अप्रेजल्स गिवन बाय लजारिस? तो लजारिस ने क्या क्या अप्रेजल मॉडल दिए थे, ठीक है? तो यहां से चालू करते हैं, फिजिकल पर्सनल सोशल तो दिया नहीं था किसी ने, ठीक है? सेम ऐसे ही कॉग्निटिव इमोशनल साइकोलॉजिकल एंड सोशल जो अप्रोच था वो भी किसी ने नहीं दिया था। ओके, एंड यू ऑल नो दिस कम्स अंडर यू नो दिस डजंट कम अंडर द टाइप ऑफ अप्रोचेस दैट यू नो दैट लजारिस गेव, ठीक है? द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज प्राइमरी अप्रेजल एंड सेकेंडरी अप्रेजल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एन अर्थक्वेक कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रेस? एक अर्थक्वेक किस कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है? सोशल स्ट्रेस, नो डजेंट साउंड यू नो गुड फॉर दिस। सोशल स्ट्रेस, सोशल यू नो सोशल स्ट्रेस या एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू सोशल टाइप ऑफ थिंग, नो नॉट एट ऑल। द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, बिकॉज ऑफकोर्स फिजिकल एज यू कैन सी एनवायरमेंटल इज अ हजार्ड। ओके, सो दैट इज वाई फिजिकल एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस। ओके, नाउ द स्टडी ऑफ लिंक्स बिटवीन द ब्रेन द माइंड एंड द इम्यून सिस्टम इज नोन एज। यहाँ पे हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ लिख लेते हैं ब्रेन, ठीक है? दूसरा हमने लिख लिया माइंड, और तीसरा हमने लिख लिया इम्यून सिस्टम, ठीक है? इम्यून सिस्टम, राइट? तो जब हम ये तीनों चीजें लिखते हैं तो हम ऑप्शन वाइज ऑप्शन जाते हैं अभी, ठीक है? यहाँ पे क्या रहा है, साइको न्यूरोलॉजी। साइको न्यूरोलॉजी में क्या आएगा? साइको न्यूरोलॉजी में साइको तो ये तो हो गया ब्रेन, ठीक है? तो न्यूरोलॉजी क्या हो गया, मतलब माइंड हो गया साइको और न्यूरोलॉजी हो गया ब्रेन। ओके, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। ओके, अब साइको इम्यूनोलॉजी क्या हो गया? साइको वापस से हो गया आपका माइंड, इम्यूनोलॉजी क्या हो गया? इम्यून सिस्टम हो गया। ओके, और साइकोलॉजी तो आपको पता है दिस इज समथिंग, दिस इज जस्ट माइंड, है ना? तो द बेस्ट आंसर इज दिस साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। क्यों? क्योंकि जब हम माइंड की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया साइको, ब्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया न्यूरो, और इम्यून सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पे आ गया इम्यूनोलॉजी, ठीक है? जो कि ये है, तो दिस इज वाई द बेस्ट आंसर इज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके, नाउ मूविंग ऑन, वी हैव एन इंडिविजुअल्स रिएक्शन टू एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स, ठीक है? तो देखो फ्रस्ट्रेशन तो हमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से ही बहुत सारा हो जाता है, अभी हमने उसमें भी देखा। कॉन्फ्लिक्ट इज समथिंग एल्स, प्रेशर इज समथिंग एल्स। अभी इसका आंसर स्ट्रेन क्यों होगा, आपको एक फिजिकल एग्जाम्पल देती हूँ जो आपके साथ होता है, ठीक है? आप बोलते हो कि यार मेरी ना आईज में ना बहुत स्ट्रेन पड़ रहा है,
ठीक है, आप क्यों ऐसा बोलते हो? या तो आप बहुत ज्यादा स्क्रॉल कर रहे हो फोन, बहुत टाइम से स्क्रीन के सामने बैठे हो, पढ़ रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, टैब पे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो यू नो दैट इज व्हाट रिजल्ट्स इन स्ट्रेन. तो वो चीज क्या है? लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रेसर्स. ठीक है, इसीलिए स्ट्रेन इज द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज. ठीक है, तो इसका वापस से देखते हैं. ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स वो होते हैं जो WBC जिन्हें बोला जाता है ना? तो WBC तो फाइटर्स होते हैं बेसिकली, राइट? सो एंटीजेंस, ऑल ऑफ यू नो व्हाट एंटीजन. कोविड में तो वी हैव डन दिस एंटीजन टेस्टिंग आल्सो. ओके, एंटीबॉडीज आर समथिंग विच इज रियली डिफरेंट. ओके, सो द बेस्ट आंसर इज डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज पैथोजेंस. तो पैथोजन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ओके, नाउ डैश इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. ठीक है, तो डीलिंग विद स्ट्रेस तो यहाँ आएगा ही नहीं, डीलिंग और मैनेजमेंट तो बिल्कुल ही नहीं आएगा. ठीक है, अभी क्या एग्जॉशन इज अ डायनामिक सिचुएशन? नो, एग्जॉशन इज अ पार्ट ऑफ GAS. एग्जॉशन इज डिफरेंट, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस के बाद आता है. तो कोपिंग इज अ डायनामिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन टू स्ट्रेस. ओके, सो नाउ विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द MCQs विच वर देयर फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, और यू कैन से द मोस्ट प्रोबेबल MCQs, राइट? सो आई विल बी बैक विद चैप्टर 4, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वेरी सून. टिल देन यू नो जस्ट जस्ट स्टे एट योर होम एंड यू नो स्टडी, एंड ऑल्सो थोड़ा सा चिल भी मारो, कोई दिक्कत नहीं है, एवरीथिंग विल फॉल इन इट्स प्लेस. ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर.